भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव के शर्मनाक बयान से यादवों के कुल का अपमान किया है। कांग्रेस कमेटी राकेश सिंह यादव ने इंदौर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कौरवों के संस्कार वाले कभी यादव नहीं हो सकते हैं। राकेश सिंह यादव ने कहा कि द्रौपदी का चीर हरण करने वाले कौरव बद्रीलाल यादवों के कलंक है। यादव ने कहा कि यादव समाज बहिष्कार करेगा बद्रीलाल यादव का। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव एवं यादव अहीर सेना प्रमुख राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव ने यादव समाज को कलंकित किया। कौरवों के संस्कार वाले बद्रीलाल यादव ने महिलाओं का घोर अपमान किया है। बेहद आपत्तिजनक बयान देकर यादव समाज के सम्मान को भी कलंकित किया है। ऐसे व्यक्ति का यादव अहिर सेना सामाजिक बहिष्कार करेगी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तो प्रेम से दूध पिलाती है, गोद में बिठा के दूध पिलाती है, और भारतीय जनता पार्टियों के साथ चाटा मारती है, झंडा मारती है। ये बदले की भावना है। अरे ये कांग्रेस बीजेपी ये एक दो पात्र है, ये एक तो देश और निंदाजनक है। ऐसे बयान देने वाले कभी भी यादव कुल के लोग नहीं हो सकते। ये कौरव कुल के लोग हैं जिन्होंने आदिकाल में भी द्रौपदी चीर हरण करने की कोशिश करती। जो महिलाओं का अपमान करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, वो कभी यादव नहीं हो सकते। ऐसे यादव का सामाजिक स्तर पर बहिष्कार किया जाएगा, हर स्तर पर बहिष्कार किया जाएगा। और जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं वो यादव कुल की शोभा नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि यादवों को लज्जित करते हैं। हमने इस मामले में एक निर्णय पहले लिया है कि जिस महिला ने साहस के साथ इन असामाजिक तत्वों का मुकाबला करा है उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो बद्रीलाल यादव ने आज घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, महिलाओं का अपमान किया है, इसकी हम कठोर निंदा करते हैं। और सारे मध्य प्रदेश में इनका बहिष्कार किया जाएगा और मांग की जाएगी कि यादव समाज से इनको बाहर निकाला जाए। इंदौर से जीतू पटेल की रिपोर्ट।